भले ही 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अभी डेढ़ वर्ष का समय बाकी हो, लेकिन रेवाड़ी की राजनीति में अभी से उबाल आना शुरू हो गया है। प्रेस वार्ताओं के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप का बाजार भी गर्म होने लगा। इसी कड़ी में बीजेपी नेता सुनील मूसेपुर ने रेवाड़ी में एक प्रेस वार्ता की। पूर्व स्थानीय नेता सतीश यादव पर जमकर निशाना साधा है कि इस रेवाड़ी का जिन्होंने 50-60 साल से नाश करने का काम किया, वो कुकरमूत की तरह बिलों में से ऐसे निकल के आ रहे नेता। नेता नहीं कहूँगा, मैं उनको कहूँगा कि भाई ये अपने स्वार्थ की राजनीति में 1947 में करीब देश आज़ाद हुआ था, और आज़ादी के बाद से आज तक इस शहर के लिए हमारी जनता ने प्रतिनिधि चुना। दरअसल जो हमारे लोकल काम है वो सारे स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं, और पिछले 50 साल में 15 साल कैप्टन अजय सिंह का पिताश्री इस रेवाड़ी का विधायक रहा। 15 साल मतलब 3 योजना रहा, 6 योजना आपका कैप्टन अजय सिंह यादव मंत्री रहा, अब की बार कैप्टन यादव का छोरा मंत्री बन गया। मतलब कहने का 15, 6, 30, 45 और 5 ये ला लो 45-40 साल जिन्होंने इस शहर के ऊपर राज किया, वो इस शहर की दुर्दशा के जिम्मेदार हैं, और ये मानना पड़े। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कर रहा कि किसी को जवाब देना है, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि रेवाड़ी की जनता इस बारे में जागरूक हो कि 50 साल से वो लोग किसको बनाए बैठे हैं यहाँ पे। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने भी जमकर राव इंद्रजीत पर निशाना साधा था। राव इंद्रजीत सिंह का नाम लिए बिना ही कहा था कि असली जयचंद तो वह है जो अपनी राजनीति बचाने के लिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ताकि उनके बाद उनकी बेटी को टिकट मिल सके, लेकिन अब राव की कहानी खत्म हो चुकी है। असली जयचंद तो वह है जिसने नांगल चौधरी और पटौदी में अपनी पार्टी के लोगों को हराने का काम किया है। मुझे ये मानना है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, अगर वो अपनी बात पर रहते हैं तो 70-75 के बाद वो टिकट नहीं देंगे। दूसरा, इसके अहंकार को, इसकी जिद को, इसके बड़बोलेपन को देख के भी शायद टिकट इसकी कट जाए। इनकी इच्छा एक ही है कि मेरी बेटी को टिकट मिल जाए। मैं तो बूढ़ा हो गया, तो अगर ये भी मांगता है और बेटी भी मांगती है तो एक परिवार में दो टिकट मिलनी नहीं, तो एक तो वैसे ही गया। अब किसके बारे में क्या गौर होती है वो समय बताएगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने भी राव को नसीहत देते हुए कहा कि वह प्रदेश के दिग्गज नेता हैं। इन्होंने उनकी शान में कभी कुछ नहीं कहा, फिर भी जयचंद जैसे शब्दों का प्रयोग करके क्यों अपनी गरिमा को बट्टा लगा रहे हैं। उन्हें ऐसे छोटे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और विकास की राजनीति करनी चाहिए। और राव साहब अपना आकलन खुद करें कि जब कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस का पूरे देश के अंदर एक माहौल था, तो कांग्रेस ही रहे, और जब भाजपा का आ गया तो भाजपा का, और हम लोगों को ही समर्पित लोगों को वो इस तरह की बातें जयचंद बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, ये उनको आकलन करना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं क्या बोलती है, पार्टी में परिवारवाद के खिलाफ पार्टी है, पार्टी के बार बार पार्टी मैसेज दे रही है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व मैसेज दे रहा है, तो उनको ये जो मन के अंदर डर है वो डर उनका इन शब्दों के अंदर निकलता है। तो मैं यही कहूँगा कि राव साहब आप एक माननीय नेता रहे हैं इस इलाके के, आप भाषा का संयम रखें। हम लोगों ने कभी भी कोई इस तरह की बात आपके शान में या किसी के भी शान के खिलाफ आज तक राजनीति 40 साल की राजनीति के अंदर नहीं की है। रेवाड़ी में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के सुपुत्र चिरंजीवी राव ने भी अहिरवाल की गर्माती राजनीति में अपने तीखे प्रहारों की बौछार करते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को विचित्र और विलुप्त प्राणी की संज्ञा देते हुए जमकर निशाना साधा। मैंने आपको याद होगा करीबन 1-1.5 साल पहले कहा था कि चुनाव के आसपास एक विचित्र प्राणी है जो दोबारा नजर आने लग जाते हैं, तो मुझे लगता है वो विलुप्त प्राणी जो है एक बार फिर नजर आने लग गए हैं। फिर उनको जो डर है अपनी राज जाने का, सत्ता जाने का जो भय है उनको एक बार फिर नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है जनता को ऐसे नेताओं को पहचानना चाहिए जो पिछले 3 साल जब कोविड काल रहा, जब उनको कहीं हमने देखा नहीं, आज वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। काश वो उस दौरान भी लोगों के बीच में जाते जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हो रही थी, जब लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे थे, उस वक्त भी अगर वो लोगों के बीच में आते तब तो वो अपने महलों में छुपे हुए थे। और कई बार मैं ये सोचता हूँ
के इलेक्शन हारो जीतो ये तो जनता के हाथ के ऊपर बात आती है, लेकिन जिसने पार्टी के दायरे से बाहर जाकर के कुछ काम किया हो उसका संज्ञान तो पार्टी को लेकर ही कम से कम 6 साल तक तो रखना चाहिए जहन में। या तो इलेक्शन हमारा कैंडिडेट हार गया, जिन लोगों ने पार्टी के विषय के अंदर कुछ अफरा तफरी करी थी उन लोगों को तुरंत माफ कर दिया गया। बहरहाल 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अभी 1.5 वर्ष का समय बाकी है, लेकिन रेवाड़ी की राजनीति अभी से गर्म है और प्रेस वार्ताओं के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप का बाजार भी गर्म है। रेवाड़ी से टोटल टीवी के लिए श्याम सुंदर की रिपोर्ट।